काजल, मेरी महसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया, शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी। तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फारान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीरा। अब तुम खुश हो? तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे दो बेटे हैं। जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसे पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीरा? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे, तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और हमारी बदनसीबी भी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। उफ खुदा, और क्या होगा, हम कोई गाँव कैसे पहुँचेंगे? शहजादे हुसमारा को दिन दुकान से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी, वो कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते चांदी परी, नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो, हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउम्मीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है, शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम अगर चांद परी, मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। साहिब है, जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है, तो मैं देर से कैसे आ सकती थी यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारी आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जाने, अम्मी जाने। अब्बा तो खैर मुझे सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहले जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती है। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो, हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। मैंने तुम्हारी माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है, यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी, मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद
मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिरस्कृत कुवत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो हमारी सारी तिलस्मित कुवत, हमारा सारा जादू मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलस्मित ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की इलिश्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद न कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा, उस तरह जादूगर जिब्रान और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल, अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है। मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलस्मी अंडा चोरी हो चुका है। तिलस्मी अंडा चोरी हो चुका है? मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी देवता महबूबा मैं जमीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो आओ। अरे मैं जमीन भरा वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो हजार जान से मुझ पर आशी का हजार जान से वो क्यों चुराएगी भला? मैं जमीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है। हे पनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, हे पनाह दौलत की लालच में मैं जमीन में वो तिलिस्मी अंडा चुरा कर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार है आका। हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो,
कुछ करो, करो कुछ। जिंदान के आने से पहले मुझे मैं जमीन के महल तक पहुंचा दो बस। मेरा सर, मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आका, मगर फिर भी आखिरी सांस तक अपने आका की खिदमत करना मेरा फर्ज।